अस्सलामु अलैकुम सनराइज फैंसीबर्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मियां शाहिद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारे बर्ड्स में बुखार हो जाता है, नजला जुकाम और उसके अलावा गले में रेशा हो जाता है, बर्ड जो है वो टांगों से बैठ जाता है, बर्ड जो है वो कलरदार बीठे करना शुरू हो गया है, तो हमने ऐसी कंडीशन में किस चीज का इस्तेमाल करवाना है। हमारे नए शौकीन हजार जो हैं वो इस मामला में परेशान हो जाते हैं और हैवी डोज जो है वो इस्तेमाल करवाना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे बर्ड्स में जो है वो रानीखेत का अटैक हो गया है, हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसान का सबब बनता है। लिहाजा अगर हमारे बर्ड्स में बुखार और नजला जुकाम और गले में खड़खड़ की आवाजें आ रही हैं, बर्ड जो है वो टांगों से बैठ गया, तो सबसे पहले हमने जो है वो नॉर्मल डोज का इस्तेमाल करवाना है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करवाना है जो कि बर्ड्स के लिए मुफीद हो और बर्ड्स को बुखार से निकाल सके। अगर हमारा बर्ड जो है वो इन चीजों को इस्तेमाल करवाने से भी रिकवर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हमने जो है वो हैवी डोज की तरफ जाना है। अगर हमारे बर्ड्स में बुखार और गले में खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही हैं, गले में रेशा पैदा हो गया, बर्ड जो है वो टांगों से बैठ गया, कलरदार बीठा हो गया, तो सबसे पहले हमने जो है जिन चीजों का इस्तेमाल करवाना है उनमें जो है वो ब्रूफोन, फ्लैजल और उसके अलावा एरिनेक सिरप, ये तीन सिरप और वेप्रामाइसिन का कैप्सूल, ये चार चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ये रानीखेत के अलामत ही हों, बर्ड जो है वो सर्दी की वजह से भी बुखार में मुबतला हो सकता है, उसके अलावा बर्ड जो है वो तनाव की वजह से भी जो है वो बुखार में मुबतला हो सकता है, जगह कम होने की वजह से, बर्ड ज्यादा होने की वजह से बर्ड में जो है वो अक्सर बर्ड जो है वो बुखार में मुबतला हो जाते हैं और बर्ड जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं, टांगों से बैठ जाते हैं। तो हमने ऐसे बर्ड्स को इलाजा करना है और उसको जो है 2 cc एरिनेक, 2 cc जो है वो फ्लैजल और 1 cc ब्रूफोन, इन तीनों को हमने मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमने 2 cc जो है वो पानी डाल देना है। ये हमने अच्छे से मिक्स करके 5 cc ऐसे बर्ड्स को पिलाना है जो कि बर्ड्स बुखार में मुबतला है, गले में रेशा पैदा हो गया और बर्ड जो है वो कलरदार बीठे कर रहा है, बर्ड जो है वो टांगों से बैठ गया है, ऐसे बर्ड्स को हमने जो है वो 5 cc जो है वो ये सिरप जो है वो पिला देने हैं और उसके बाद हमने जो है वेप्रामाइसिन का कैप्सूल खोल के ये बर्ड्स के मुंह में डाल देना है पाउडर जो है। अगर इन चीजों के इस्तेमाल से भी हमारा बर्ड जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, तो फिर हमने जो है वो हैवी डोज की तरफ जाना है, वो रानीखेत की जो रानीखेत का इलाज है उसकी तरफ आना है और अपने बर्ड्स को जो है वो बड़े नुकसान से बचाना है। उसके अलावा हमने जो है वो जो बर्ड जो है टांगों से भी बैठ गया, तो ऐसे बर्ड्स को हमने जो है तकरीबन ये सिरप देने के 2 घंटे बाद हमने जो है वो पेंसिलिन 5 लाख और नैरोबियन इनको हमने मिक्स कर लेना और 1 cc एक टाइम पे हमने जो है ये लगाना इंजेक्शन। इस तरीके के इस्तेमाल से हमारा बर्ड जो है अगर बर्ड सर्दी की वजह से या तनाव की वजह से या किसी और वजह से बुखार में मुबतला हुआ होगा, तो बर्ड जो है वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से रिकवर हो जाएगा, बर्ड जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा और हम जो है बहुत बड़े नुकसान से बच सकेंगे। तकरीबन 50% जो है वो हमारे बर्ड इसी वजह से मर जाते हैं, इसी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं कि हमें जो है वो उसका तरीक़ेकार नहीं पता होता, हमें जो है उसका अलामत का नहीं पता होता और हम जो है अपने बर्ड्स को खो देते हैं। लिहाजा हमने अपने बर्ड की केयर करनी है और उस पर नज़र रखनी है, उस पर हमने उसको जो है मुसलसल इलाज करना है और अपने बर्ड्स को जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त करना है। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त मियाँ शाहिद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।